ये देखें ऑयल गरम था तो हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया है। तो ये देखें कितने अच्छे से ब्राउन हो रहा है। अब हमने इस प्याज को दोनों को अच्छे से वाइट और ब्राउन कर देना है। फिर हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें डालनी है और ये हमारी आलू की भुजिया बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। ठीक है, मैं आपको बनानी सिखाती हूँ और ये देखिएगा आप ट्राई करना, इतनी अच्छी बनेगी। इसमें ये जो हमने ग्रीन प्याज डाला है इसके साथ भुजिया का टेस्ट बहुत ही आला आएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया और ये बहुत मज़े सी और टेस्टी सी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले मैंने हाफ कप भी नहीं, मतलब मैंने ये दो खाने वाले ये जो चम्मच हैं ये मैंने दो डाले हैं इसमें ऑयल के। और इधर मेरे पास है ये देखें, एक मेरे पास टमाटर है, एक मेरे पास वाइट प्याज है और एक ये वो ग्रीन प्याज होता है ना, ये मैंने छोटा सा लिया है कि इसके साथ टेस्ट चेंज करने के लिए। और एक चम्मच मेरे पास यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है और एक चम्मच एक टमाटर मैंने लिया है। ये देखें ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से सिर्फ हम अभी सिर्फ प्याज डालेंगे ऑयल के अंदर। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम पहले प्याज डालेंगे फिर हम इसमें इसकी प्याज की भुनाई करते हैं। पहले ये देखें आप प्याज ऐसा वाइट वाइट सा रख लें बस, ये हमने ताकि ये हमारा अभी ब्राउन हो जाएगा जब हम इसमें और चीज़ें डालेंगे, लेकिन ये ऐसा क्रंची क्रंची सा प्याज हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है वो हम इसके अंदर डालते हैं आप अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर डाल दिया है और ये देखें प्याज जो हमारा ब्राउन होना रह गया था ये देखें अब फुल ब्राउन हो चुका है। और ये अदरक लहसुन की इसके अंदर अच्छे से खुशबू आएगी, तो इसके अंदर हम टमाटर डालते हैं। ये देखें अदरक लहसुन से इतनी अच्छी खुशबू आती है, इसलिए आप लोग अदरक लहसुन ज़रूर डाला करें अपनी हर हांडी में। ये देखें प्याज हमारा फुल ब्राउन हो गया है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी अंदर फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। ये देखें एक मैंने टमाटर लिया था, एक टमाटर भी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसके अंदर अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें टमाटर के साथ कितनी अच्छी से इसका मसाला तैयार हो रहा है। देखें प्याज भी फुल ब्राउन हो गया था और अदरक लहसुन का पेस्ट भी अंदर फ्राई हो गया था। ये देखें ऑयल के अंदर कितनी अच्छा सा ये मसाला बनाया। अब हम इसके अंदर डालते हैं कुछ मसाले। ये देखें यहाँ पे मैंने एक चम्मच नमक लिया हुआ है, एक चम्मच मैंने धरा मिर्च लिया है, एक चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है और एक चम्मच मैंने हल्दी लिया है और एक चम्मच मैंने लाल मिर्च लिया, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा लिया है इसका टेस्ट चेंज करने के लिए और थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया लिया है, तो इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट है। अब मैं ये सारे मसाले इसके अंदर डाल दूँ। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे, अच्छे से मसाला इसका तैयार कर देंगे। ये देखें मसाले को मैंने अच्छे तरह से भुना है। ये देखें कितना अच्छा प्यारा सा ना ऑयल के अंदर मसाला तैयार हो गया है। और मैंने अब इधर एक ली है हरी मिर्च, ये इसको मैंने ब्रीक अंदर डाल दूँ। ये मैंने हरी मिर्च है ये मैं साबुत ही रखी है, टेस्ट आएगा इसके साथ। ये देखें अब मैं इसके अंदर से अच्छे से भून देती हूँ इसको भी, ताकि हरी मिर्च साबुत साबुत अच्छी लगती है फिर अंदर। ये देखें मसाला कितना प्यारा फ्राई हो चुका है और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसके अंदर ये देखें मैंने इधर थोड़े से आलू लिए हैं, अब आलूओं को मैंने भिगोया हुआ था, अब इनका मैं पानी निकाल के तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। देखें पानी मैं इसका नहीं डाल रही, अब ये आलू मैं सारे इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखें अब मैंने आलू भी डाल दिए, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखें बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर देना और इसमें हमने एक कप भी नहीं, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे बस इसमें, जो बस इसकी भुनाई मतलब जिसमें आलू गल जाए, वैसे ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, इस थोड़े से पानी में ही हमने ये
आलू गलाने हैं, ठीक है। ये देखें, अब हम इसके ऊपर कैप रख देंगे और इसमें हमने आप कुछ ऐड नहीं करना। अब हम इसको अच्छे से ना ढाप कवर करके तो इसको रख देंगे, तो ये अच्छे से ना आलू गल जाएंगे। तो फिर मैं आपको भुजिया अपनी तैयार हुई हुई चेक कराती हूँ। मतलब हमने इसको 10 मिनट ऐसे ही रहने देना है हल्की आंच पे, और आलूओं को अच्छे से गलने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ये देखें, अब मैंने इसको 5 ऐसे ही मैंने इसके अंदर वो थोड़ा सा पानी डाला था और मैंने इसको दम पे रख दिया था। तो ये देखें आलू कितने अच्छे से गल गए हैं और इनका पानी भी सारा खुशक हो गया है तकरीबन। अब मेरे पास यहाँ पे है, ये देखें सब्ज़ धनिया। अब मैंने इसको पानी में डिप किया हुआ था काफ़ी देर से सब्ज़ धनिए को। अब मैं ये सब्ज़ धनिया अपनी भुजिया के अंदर डाल दूँगी। ये देखें सब्ज़ धनिए के साथ बहुत अच्छा और ना प्यारा सा टेस्ट आता है और बहुत मज़े की लगती है। फिर सब्ज़ धनिए के साथ हर चीज़ दिल चाहता है हम खा लें, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है सब्ज़ धनिए से, ठीक है। अभी मैं इसको मिक्स कर दूँगी। ये देखें अब मेरी भुजिया फुल एंड रेडी हो गई है। अब मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें हमारी भुजिया फुल तैयार है। प्लीज़ आप घर में ट्राई करें, ये बहुत मज़ेदार बनी है। प्लीज़ ट्राई करें, घर में मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इरसा कुकिंग। थैंक यू सो मच।